जेल के मेन दरवाजे का डुप्लीकेट चाबी बनाना तथा सभी ऑफिसर्स की नजरों से बचकर जेल से भागना, जिस जेल के कांच तक बुलेट प्रूफ होते थे, उनको भी चकमा देने में कामयाब हुआ एक खूंखार कैदी। जब उसके भागने की खबर मिली तो लोगों के होश ही उड़ गए, क्योंकि बिना किसी के मदद के बगैर उस जेल से कोई नहीं भाग सकता था। ऑफिसर्स को जरा भी भनक नहीं पड़ी कि उस अपराधी को भगाने में मदद कर रहा था अंदर का ही आदमी, पर जब तक उन्हें सच का पता चला बहुत देरी हो चुकी थी। वह कैदी जिसका नाम था पीटर रॉबर्ट गिव भाग निकला ऑस्ट्रेलिया के जेल से। वक्त था आज से 30 साल पहले, ईयर 1993 का। गिव इज अ करियर क्रिमिनल, 6 PM ऑन द 7th of मार्च 1993। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 1993, 38-year-old पीटर रॉबर्ट गिव। पीटर रॉबर्ट गिव, ऑस्ट्रेलियन क्रिमिनल, इज एस्केप्ड फ्रॉम द मेलबर्न रिमांड सेंटर इन 1993। पीटर रॉबर्ट गिव, 30 जून 1954, सेंटर इन 1993। स्टोरी की शुरुआत हुई देश ऑस्ट्रेलिया के एक कैदी से, जिसका नाम था पीटर रॉबर्ट गिब। इसका जन्म हुआ था 30 जून 1954 में। यह कम उम्र से ही हत्या, डकैती तथा अदर वेपन्स अपराधों के लिए सजा मिल चुकी थी। 26 से 27 साल की उम्र में इसे पहली बार सजा सुनाई गई, जिसे नवंबर 1981 में बंद किया गया था HM प्रिजन पेंट्रीज, जिसे आज के समय में पेंट्रीज प्रिजन इवेंट नाम से जाना जाता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग में 1851 में स्थापित किया गया था। यहाँ वह कुछ ही साल रह पाया, जब उसकी मुलाकात हुई ट्रेवर स्मिथ नामक बंदे से, जो पिछले वर्ष बिकवर्थ करेक्शनल सेंटर से भागा था। जैसा कि उसे पहले से भागने का प्लान था, इसलिए यहाँ ये दोनों एक साथ भागने का प्लान किए, जिसमें ये लगभग कामयाब हुए। यहाँ से भागकर ये करीब एक महीने तक सेंट किल्डा में रहे। ज्यादा समय तक छुप नहीं सके, एक महीने के अंदर ही कोबर्ग में पकड़े गए। यहाँ से अब दोनों लोगों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया। गिब को मेलबर्न रिजर्व सेंटर में कैद किया गया, जहाँ कई वर्ष रहने के बाद वहाँ के एक कैदी से दोस्ती हुई, जिसका नाम था आर्ची बटलरी। जैसा कि पीटर एक बार भाग चुका है, इसलिए वह यहाँ पर भी रहकर भागने की तैयारी करने लगा। बिटलरी उसे हमेशा समझाता था यहाँ से भागना नामुमकिन है, यहाँ के खिड़कियों में लगे हुए ग्लास भी बुलेट प्रूफ होते हैं। इसके बावजूद वह हर बार कोशिश करता था भागने की, पर वह हर बार नाकामयाब साबित होता था। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। वक्त आ चुका था सन 1991 का। जेल में रहते हुए लगभग 10 साल का वक्त कंप्लीट हो चुका था। पिछले 10 सालों में उसकी दोस्ती एक लेडी जेल अधिकारी पार्कर से हुई। दोनों मिलते थे, आपस में बातें करते थे, वक्त के साथ ये गहरे दोस्त बन गए। बातों बातों में पीटर को पता चला उसका हस्बैंड भी जेल ऑफिसर है, जो अगले वर्ष अपनी वाइफ को छोड़ने वाला था। इसी वजह से गिब तथा पार्कर की नजदीकियां बढ़ने लगी। नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि पार्कर गिब के साथ रिश्ता शुरू करने को सोचने लगी। इसके लिए गिब को जेल से बाहर निकालना जरूरी था। जैसा कि उसके अपराध काफी संगीन थे, इस कारण उसे वेल इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। पार्कर तथा गिब के बीच की बातों को बटलरी के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था। बटलरी को जब पता चला कि गिब यहां से भागने वाला है, तो वह भी उसके प्लान में शामिल हो गया। मतलब यहां सिर्फ गिब नहीं बल्कि बटलरी भी भागेगा उसके साथ साथ। गिब को पार्कर से मिलने का बहुत ही कम मौका मिलता था, पर जब भी मिलते थे भागने का ही डिस्कस करते थे। ये अपने प्लान को अंजाम देना तब शुरू किए जब देखने को मिला कि कोई भी ऑफिसर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 1992 से गिब बटलरी पर पूरा भरोसा करने लगा, अब उससे भी अपना सारा प्लान डिस्कस करने लगा। उसे बताया जो ये लेडी ऑफिसर है, ये हमें यहाँ से भागने में मदद करेगी। शुरुआत में बटलरी को उसके प्लान पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसके प्लान में शामिल होने से हिचकिचा रहा था। पर बटलरी को विश्वास दिलाने के लिए वह कई बार पार्कर से मिलकर भागने की बात करता था। बातें जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, बटलरी को भी यकीन हो गया सच में ये लेडी ऑफिसर्स गिब को भगाने में मदद करेगी। पर अभी तक बटलरी को ये नहीं पता था आखिर ये गिब की मदद क्यों कर रही है, पर इसका रीजन गिब अभी तक उसे नहीं बताया, बस इतना कहा कि समय आने पर पता चल जाएगा। जैसा कि जेल के सारे प्रिजनर हर टाइम अंदर ही रहते थे, इसलिए गिब को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से भागने का सबसे सेफ रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से पकड़े जाने के चांस होंगे बिल्कुल कम। पर यहाँ उनकी मदद करने वाली थी पार्कर, जो इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। पर इसके बावजूद जेल से भागना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि गार्ड दोनों टाइम सुबह तथा शाम आते थे प्रिजनर को देखने। जेल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, जिस पर लगाए गए थे कई सारे डोर, जो हमेशा बंद रहते थे। पूरे दिन में खुलते थे सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए। उसी टाइम में इन्हें खुले एरिया में घूमने दिया जाता था। पर भागने का एक दूसरा भी रास्ता था, वह था छत से होकर पीछे के रास्ते से उतरना। पर छत के जितने भी डोर थे उसमें कांच लगे थे बुलेट प्रूफ, उसे हथौड़े से भी तोड़ना नामुमकिन था। इसलिए अब इनके पास एक ही रास्ता है, ये बाहर निकलने वाले दरवाजे के सभी चाबी को हासिल करें। इन्हें लगा ये सारे चाबी पार्कर के पास होंगे, पर बाद में पता चला ये चाबी पार्कर के पास नहीं
बल्कि है उसके सीनियर के ऑफिस में। सीनियर के ऑफिस में जाकर चाबी को चुराना, फिर उसे लाकर गिब को देना काफी चैलेंजिंग टास्क था। आपस में मिलकर इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करते थे, पर इसमें काफी ज्यादा रिस्क था। गिब इतना बड़ा रिस्क लेना भी नहीं चाहता। गिब एक ऐसे प्लान के तलाश में था जो उसके भागने के मकसद को 100% सक्सेसफुल बना सके। वक्त वक्त पर गिब को पार्कर पर शक होता था। ऐसा लगता था मानो जैसे वह उसे फंसाना चाहती हो, पर समय के साथ दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थी कि वह आंख बंद करके भरोसा कर सकता था पूरी तरह से। हर सुबह जब भी पार्कर प्रिजन में आती थी, हर बार एक ही सवाल रहता था कि भागने का प्लान क्या है। मेन डोर के अलावा दूसरा कोई तरीका समझ में आया? पार्कर की तरफ से एक ही जवाब रहता था कि मैं देख रही हूँ, जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। स्टार्टिंग में वह प्लान की वह सभी डोर की डुप्लीकेट चाबी बनाएगी। गिब ऐसे वक्त पर भागेगा जब सभी प्रिजनर्स सो रहे होंगे, साथ ही साथ वह दिन छुट्टियों का हो ताकि प्रिजन में कम से कम ऑफिसर्स हों। ये बात जब बटलरी को पता चली तो वह गिब से कहने लगा, जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ कर करो, उस पर इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं है, वह भी एक ऑफिसर है, वह किसी मुजरिम की मदद क्यों करेगी। गिब के कॉन्फिडेंस को देखकर बटलरी अब भी उसके प्लान में शामिल था। अगले दिन दोनों लोग पार्कर के आने का इंतजार कर रहे थे तो गिब पूछने लगा, क्या डुप्लीकेट चाबी बनी? पर चाबी बनने की तो दूर की बात, अभी तो उन्हें इन सभी दरवाजों की चाबी मिली ही नहीं। ये वही वक्त था जब दोनों के बातों से बटलरी को पता चल गया आखिर पार्कर गिब की मदद क्यों कर रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे काफी लंबे समय से। इस तरह अब उसे भी पूरी तरह से विश्वास हो गया कि पार्कर हमें धोखा नहीं देगी, वह गिबी को भगाने में मदद करने वाली है। अब तक पार्कर तथा उसके हस्बैंड के बीच के रिश्तों की दरार और भी बढ़ने लगी। दरार जैसे जैसे बढ़ने लगा, गिब को भगाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेप उठाने लगी जो उसे ले जा रहा था जुल्म की दुनिया में। अगले दिन जब प्रिजन में पहुंची तो चुपके से गए सीनियर के कमरे में, सभी की को साबुन पर रखकर उसके डिजाइन को चुरा ली। अब वो उसकी हेल्प से डुप्लीकेट चाबी बना सकती है आसानी से। इस तरह चाबी चुराने भी नहीं पड़ी, काम भी हो गया। पर जैसे जैसे समय गुजर रहा था प्रॉब्लम्स और भी बढ़ने लगी। गलती से कुछ कैदियों को उनके भागने की खबर मिल गई, जिस कारण सीनियर को भी इसके बारे में पता चला, पर ये नहीं पता था उन दोनों की मदद कर रहा है कौन। पार्कर को ही बुलाकर बताने लगा कि कुछ कैदी भागने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए। पार्कर ने यह बात तुरंत गिब को बताया। यह जानकर गिब प्लान में चेंजेज लाया, मेन दरवाजे से भागने की बजाय छत के रास्ते भागने का प्लान किया। पर इसके लिए इन्हें बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ने की जरूरत थी, जो इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। उसे तोड़ने के लिए इन्हें एक्सप्लोसिव की जरूरत होगी। फिलहाल पार्कर सबसे पहले चाबी बनाने वाली दुकान पर गई, जहां साबुन के बने निशान की हेल्प से चाबी बनाने को कही। दुकानदार एक से दो दिन का वक्त मांगा चाबी बनाने के लिए। इसी टाइम में एक दूसरे गाड़ी का बंदोबस्त की जो प्रिजन के पीछे के साइड उनके आने का इंतजार करेगी। ये इस काम को इतनी सावधानी से अंजाम दे रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। पार्कर हर प्लान की खबर गिब को देती रही। बटलरी भी फुल कॉन्फिडेंस में था, अब वह जल्द ही भाग जाएगा यहाँ से। अगले दिन चाबी बनकर रेडी हो गई, जिसे गिब को दिया गया ताकि इस चाबी को डोर में लगाकर जांच करे यह चाबी डोर में लग रही है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चाबी की जरूरत थी जिसकी हेल्प से ये छत तक जा सकेंगे, क्योंकि अब मेन डोर से जाने की कोई जरूरत नहीं थी। चाबी की टेस्टिंग के लिए जब पहुँचा तो दरवाजा खुला ही नहीं, मतलब चाबी में थोड़ा सा फॉल्ट था। लेकिन गिब के पास एक चाबी नहीं बल्कि थी दो। दूसरी चाबी लगाने ही वाला था कि उसकी नज़र पड़ी एक ऑफिसर पर जो उसके बिल्कुल पास में था, पर उसकी नज़रों से बचकर दूसरी चाबी की टेस्टिंग कर ही ली। किस्मत अच्छी थी, दूसरी चाबी लग गई। ये वक्त था मार्च सन 1993 का। चाबी जब लग गई तो ये दो दिन बाद 7 मार्च सन 1993 को भागने का प्लान किया, वह भी रात के वक्त। दूसरे दिन जैसे ही शाम हुआ, पिछले दरवाजे के चैन को काटकर गाड़ी ले गई अंदर। ऐसा वह दो दिन पहले इसलिए कि क्योंकि पीछे के साइड कोई भी नहीं जाता था जांच के लिए, यही सबसे अच्छी जगह है। दो दिन बाद 7 मार्च को दोनों लोग आएंगे यहीं पर, गाड़ी लेंगे और हो जाएंगे 9-2-11। पर वहां पहुंचने से पहले उन्हें बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ने की जरूरत होगी। पार्कर ने इसका भी बंदोबस्त कर दिया। वह जेल में तस्करी करके एक्सप्लोसिव का एक छोटा सा टुकड़ा रेडियो में छुपाकर गिब तथा बटलरी के पास पहुंचा दी। अगले 6 मार्च के दिन पार्कर अपनी गाड़ी भी प्रिजन से काफी दूर लगा दी, ताकि अगर पहला प्लान फेल हो तो वह उन दोनों को यहाँ से भी ले सके। प्लानिंग तो बिल्कुल परफेक्ट थी, फेल होने की जरा भी चांस नहीं थे। किसी भी ऑफिसर को जरा भी भनक नहीं पड़ी कि आज इस प्रिजन में एक ऐसी साजिश अंजाम देने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अगला दिन होने को आया, यानी आज है 7 मार्च सन 1993 का।
दोनों लोग बड़ी सावधानी से छत पर गए, जहां इन्होंने बुलेट प्रूफ ग्लास पर एक्सप्लोसिव लगा दिया। धमाके के तुरंत बाद ग्लास टूट गया। बाकी बचे हुए पार्ट को दोनों ने खुद से हटाया। आगे कपड़े की हेल्प से दोनों लोग फौरन नीचे उतरे। जैसा कि यहाँ की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट थी, ग्लास के टूटते ही इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। इसी भागा भागे में नीचे उतरते वक्त बिटलरी के पैर में चोट लग गई, पर फिर भी भागकर गाड़ी तक पहुँचने की कोशिश किए। पर यहाँ किस्मत साथ नहीं दी, इनके पास इतना वक्त था नहीं ये मेन गाड़ी तक पहुँच पाते। पास में खड़े एक बंदे की गाड़ी चुरा कर भागने लगे। ऐसा करने पर एक पुलिस वाले की नज़र उन पर पड़ गई, पीछा करने लगे उनका, पर दोनों उसे चकमा देकर उसका ही गन लेकर भागने लगे। इस भागा भागी में कार की टक्कर रोड के साइड में हुई। उसी के बगल से एक बाइक वाला गुजर रहा था, जिसे लगा शायद से एक्सीडेंट हुआ है। वह उनकी मदद करना चाहा, पर वे दोनों लोग उसे गन पॉइंट पर लेकर उसकी बाइक छीनकर वहां से 9-2-11 हो गए। अब तक पूरी पुलिस फोर्स पागल कुत्तों की तरह उनके पीछे पड़ चुकी थी। पुलिस ने बाइक पर टक्कर मारी, दोनों गिर पड़े नीचे। जैसा कि उनके पास गन है, इस बात से अनजान जब पुलिस वाले अरेस्ट करने के लिए उनके नजदीक गए, गिब ने उन पर फायर कर दिया। दोनों के बीच काफी समय फायरिंग चली, जिसमें गिब के गोलियों का शिकार एक ऑफिसर हुआ, जिसे मारी गई 2-2 गोली। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्हीं की वैन लेकर वहां से भी भाग निकले। थोड़ी देर में उस लोकेशन पर पहुंचे जहां पार्कर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। यहां पहुंचकर इन्होंने पुलिस की गाड़ी साइड लगाई, पार्कर के ही गाड़ी से भाग निकले। इस भागा भागी तथा हाथापाई में इन्हें काफी चोटें आई थी। यहां से भागकर दोनों लोग ट्रालालगान हॉस्पिटल में इलाज करवाया। अब तक ये खबर आग की तरह न्यूज में फैल चुकी थी। उनकी तस्वीरें हर नागरिक की आंखों के सामने थी। उन दोनों के बारे में बताने वाले के लिए इनाम भी रखा गया। इलाज के बाद अगले 4 दिनों तक आसपास के शहर में ही भटकते रहे। अगले 4 दिनों बाद 11 मार्च को मेलबर्न से 175 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में मौजूद एक छोटा सा शहर जिसका नाम था गफनेस क्रिक वहां पहुंचे। यहां गिब के सिर्फ हाथ में चोट आई थी, इसलिए उसे भागने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उसके विपरीत बटलरी के पैर में काफी गहरी इंजरी आई थी। लेकिन 4 दिनों बाद चलने लायक रिकवर हो गया। फिलहाल क्रिक शहर तक पहुँचने से पहले बीच रास्ते जंगलों में समय स्पेंड किए। अगली सुबह यानी 12 मार्च को यहाँ से निकलकर मेन सिटी पहुँचे, जहाँ इन्होंने बुक किया एक होटल। यहाँ पहुँचकर इन्हें अपनी हुलिया बदलने की जरूरत थी, क्योंकि इन दोनों की तस्वीरें हर जगह न्यूज वगैरह में चल रही थी। अगर ऐसे ही रहे तो इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। गिब ने अपना हुलिया इस तरह बदला कि उसे उसके अपने लोग ही नहीं पहचान सकते थे। सबसे पहले उसने अपनी मूंछ क्लीन की, सर के बीच के बाल को इस तरह हटाया मानो जैसे उसके बाल झड़ चुके हों, वह हो चुका हो गंजा। इस तरह वह होटल में लोगों के बीच रहने लगा, जहां उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। इस होटल में ये पूरे एक दिन भी नहीं रहे थे। सुबह के करीब 3 बजे के आसपास पार्कर कहने लगी, ये जगह भी हमारे लिए सेफ नहीं है। रात के वक्त ही तीनों लोग वहां से निकल गए, पर जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे सामान वहीं छूट गए। जाने से पहले पी रहे सिगरेट को बिस्तर पर ही छोड़ दिया, जिससे कपड़ों पर आग लग गई। उनके जाने के कुछ ही घंटों बाद उनका होटल रूम आग से जलने लगा। सुबह होते होते होटल रूम का काफी हिस्सा जल गया। जब तक फायर ब्रिगेड तथा पुलिस पहुंची, तब तक आग बुझ चुकी थी। पुलिस ने जब रूम में पड़े हुए कपड़े गिब तथा पार्कर की चीजों से मैच की तो पता चला ये सामान तो गिब का है। मतलब उन्हें इतना तो कंफर्म हो चुका था गिब है यहीं आसपास। उन्हें ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर से एक बड़ी टीम बुलाई गई। जैसा कि ये पूरा इलाका जंगल वाला है, उन्हें उम्मीद है ये ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, रुके होंगे आसपास जंगल में ही। असल में ऐसा था भी, ये उस होटल के कुछ ही किलोमीटर दूर मौजूद थे जंगल के बीच। 11 बजे के करीब आसमान में हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखाई पड़े। इस तरह इन्हें भी पता चल गया यदि बचना है तो यहाँ से भी भागना होगा। पुलिस वाले रोड से गुजरने वाले गाड़ियों को रोककर उनके बारे में जानकारी निकालने लगे। उस गाड़ी का भी जिक्र किया गया जिस गाड़ी से दोनों लोग आए थे होटल में। एक गाड़ी वाले ने बताया ये दोनों गए हैं गोलबर्न नदी की तरफ। असल में ऐसा था भी, ये नदी के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। नदी पार करने ही वाले थे कि इन्हें पता चला यहाँ तो पुलिस है, क्योंकि उस गाड़ी वाले ने जैसे उन्हें बताया कि दोनों गए हैं नदी की तरफ, तो ये जिस जगह मौजूद थे उन्हीं के करीब एक बंदा था जो आया था घूमने। वह देरी न करते हुए इसकी खबर पुलिस को दे दी थी। पुलिस को यहाँ देख बटलरी प्लान किया कि दोनों यहाँ से जाएं, वो इनका ध्यान भटकाएगा। अंत में ऐसा ही किया गया। गिब तथा पार्कर जंगल के दूसरे रास्ते से भागने लगे, जबकि बटलरी पुलिस वालों को फायर करके उनका ध्यान अपनी तरफ किया, पर इनका यह प्लान काम नहीं आया। वे नदी को पार करने ही वाले थे कि पुलिस वहां आ पहुंची। इस तरह उन दोनों को पुलिस के सामने सरेंडर होना पड़ा। इस गोलाबारी में बटलरी को कई गोलियां लगी, उसकी उसी टाइम डेथ हो गई थी। दोनों को भगाने के चक्कर में बटलरी तो नहीं रहा इस दुनिया में, पर यहाँ पार्कर गिब को भगाने में मदद करके बहुत बड़ी अपराध कर दी थी, जिसके लिए उसे करीब 3.5 साल की सजा हुई। पर ये तीनों लोग इकलौते नहीं थे जिन्होंने इतने बड़े जेल ब्रेक को अंजाम दिया, क्योंकि इस हादसे के मात्र 10 साल पहले यूरोप के सबसे सुरक्षित जेल जिसका नाम था मेज प्रिजन, वहाँ से करीब 38 कैदी भागने की साजिश की, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में।
तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही, धन्यवाद।